वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दोस्तों, आज की ये वीडियो एक डिफरेंट और यू कैन से एक अमलगमेटेड सब्जेक्ट के ऊपर है। ना ही ये फुल फ्लेज एस्ट्रोलॉजी की वीडियो है, ना ही ये फुल फ्लेज जिस दूसरे सब्जेक्ट को मैं इसके साथ अमलगमेट कर रहा हूं, एसोसिएट कर रहा हूं, ना फुल फ्लेज उसकी वीडियो है। दोस्तों, दिमाग में एक मेरे चीज आई कि व्हाई नंबर्स आर गिवन सो मच इंपॉर्टेंस इन वैदिक ज्योतिष। अब आप देखिए, नंबर्स यानी के शून्य से लेकर नौ तक के जो नंबर है, और नौ के बाद अगेन ये शून्य ही बनता है, चाहे वो किसी डिजिट के साथ मिलकर शून्य बन रहा है, मगर दोस्तों है वो कहीं ना कहीं शून्य। हालांकि मैं शून्य को जीरो नहीं मानता। दोस्तों, जो जीरो वर्ड है ये थोड़ा सा मिसनोमर वर्ड है। ये जो एक्चुअली कंटेंट शून्य से निकल कर आता है, जीरो उसके बारे में नहीं बताता। क्योंकि दोस्तों, शून्य क्या है? शून्य एक कंप्लीशन है। आप देखिए, सर्कल ड्रॉ करिए, शून्य इज ए कंप्लीशन। शून्य खाली भी है और शून्य भरा हुआ भी है। ये एक डाइकोटमी है, कॉन्ट्राडिक्शन है। पॉजिटिव देखने वाले इसको कंप्लीशन मानेंगे, पूर्णता मानेंगे, और जो लोग नेगेटिविटी वाले हैं वो इसको एम्प्टीनेस मानेंगे, खालीपन मानेंगे। अब दोस्तों, वैदिक ज्योतिष के साथ नंबर्स का क्या संबंध है? अब आप लेकर चलिए, कितने प्लैनेट हैं? आप सब जानते हैं देयर आर सेवन रियल प्लैनेट्स। रियल प्लैनेट्स तो दोस्तों सात ही हैं। नौ प्लैनेट्स बनते हैं, मगर वो जो दो प्लैनेट्स हैं दे आर इमेजिनरी प्लैनेट्स। दे आर नॉर्थ नोड एंड द साउथ नोड। और वो क्या है? वो कहीं ना कहीं आपके मन की एक्सटेंशन है। और ये चीज राहु केतु के बारे में मैं आपको अपने जो डिटेल्ड मेरी राहु केतु की वीडियोस हैं, या जो लोग एकेडेमिकली मुझसे जुड़े हुए हैं वो इस चीज को अब अच्छी तरह समझ चुके हैं, व्हाट इज राहु एंड केतु। बट आज की वीडियो में मैं राहु केतु के बारे में नहीं बताने वाला। आज की वीडियो में मैं कुछ और कोइंसिडेंसेस या जो एसोसिएशंस बनकर निकलती हैं उसके बारे में आपसे डिस्कशन करना चाहता हूं, आपके साथ विचार विमर्श करना चाहता हूं। एक्चुअली दोस्तों, मेरी वीडियोस ये कोई टेलर मेड वीडियोस नहीं होती है, आप जानते हैं। मैं अगर किसी चीज को समझाना चाहता हूं तो कोशिश मेरी ये होती है कि जो मेरे दिमाग में थॉट आए वो थॉट मेरी वाणी के माध्यम से, मेरे चेहरे के माध्यम से, वो थॉट आपके दिमाग में भी पहुंच जाए, ये मेरा प्रयास रहता है। सो दोस्तों, हम बात कर रहे थे नंबर्स की, डिजिट्स की, प्लैनेट्स की। अब आप देखिए, 1 to 7 जो नंबर्स हैं वो प्लैनेट्स के ही नंबर्स हैं, मगर न्यूमरोलॉजी में थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया गया है, वो मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। और अगर हम लेकर चले 7 के बाद 8 और 9 नंबर राहु एंड केतु। अब आप दोस्तों देखिए, जो 7 प्लैनेट्स हैं, अगर आप लाइफ के साथ उसको मिलाकर देखें, देयर आर 7 डेज, 7 ही वार होते हैं जो रविवार से शुरू होके शनिवार तक जाते हैं, सूर्य से शुरू होके शनि तक जाते हैं। दोस्तों, बहुत ऑथेंटिक चीज है ये। उसके बाद देयर आर 7 चक्रास। कुंडलिनी के जो लोग कुंडलिनी शक्ति को जानते हैं या समझते हैं वो जानते हैं, देयर आर 7 चक्रास जो मूलाधार से शुरू होकर सहस्रार चक्र तक जाते हैं। अब दोस्तों, यहां पर एक चीज निकल कर आई पिछले कुछ टाइम से, जो 108 का फिगर चल रही थी वो मेरे दिमाग में काफी देर से चल रही थी। अब आप देखिए,
ऋषियों ने कितना दोस्तों ऑथेंटिक काम किया और कितना डीप रिसर्च का काम किया। अब आप देखिए, 7 + 2 = 9 तो हुए आपके प्लैनेट्स, 7 रियल 2 इमेजिनरी, 9 प्लैनेट्स। एक एक प्लैनेट को उन्होंने 3-3 नक्षत्र एलोकेट कर दिए, 9 + 27, 27 के उन्होंने सब नक्षत्रों को 4-4 पद दिए, 27 × 4 इट कम्स आउट टू बी 108। तो दोस्तों ये जो 108 की फिगर थी, ये मेरे दिमाग में क्वेश्चन बना रही थी कि व्हाई ऋषिज थिंक एंड फाइनलाइज्ड ऑन दिस फिगर ऑफ 108। अब आप देखिए, ऋषि मुनि या जो आप कुछ लोग हालांकि हंस के बात करते हैं जी 108 श्री श्री मुनि या श्री श्री ऋषि श्री श्री स्वामी 108, ये जो 108 का वो है, ये तो हम मान सकते हैं कि रीजनिंग इज गिवन, 9 प्लैनेट्स, 3-3 नक्षत्र, 27 नक्षत्र, 27 नक्षत्रों के 4 पद, फिगर कम्स आउट टू बी 108। ये तो बात दोस्तों ठीक है, मगर अब 108 भी अगर आप इसका न्यूमरोलॉजिकल नंबर आप निकालोगे तो वो भी दोस्तों 9 ही आएगा। और आप इस चीज को हमेशा जानते हैं कि 9 इज द कंप्लीशन नंबर, शून्य से जो चीज शुरू होती है, क्योंकि डिजिट्स जब आप मतलब इस चीज को समझेंगे, शून्य से चीज शुरू हुई और 9 पे कंप्लीट हुई। टोटल मैथमेटिक्स, टोटल साइंस, टोटल कैलकुलेशंस इन्हीं नंबर्स के बीच में चलती है। दिस इज मोस्ट साइंटिफिक थिंग, मोस्ट रीजनेबल थिंग, मोस्ट स्टेटिस्टिकल थिंग। टोटल कंप्यूटर्स इसी के ऊपर बेस्ड है। अब आप देखिए, जो 0 से 9 शुरू हुई, और दोस्तों ये जो डिजिट्स आई ये कोई अब की नहीं आई। अब आप देखिए, वैदिक टाइम से ये शब्द, ये डिजिट्स चल पड़ी। आज हम कहते हैं कि हमने साइंटिफिकली बहुत डेवलप कर लिया, कंप्यूटर्स ने बहुत ज्यादा आगे डिटेल में हम लोग चले गए, टेक्निकली हम बहुत साउंड हो गए, बहुत ज्यादा अपने को हमने डेवलप कर लिया, मगर दोस्तों साइंस रही कहां, फ्रॉम 0 to 9। अब ये चीज भी आप समझ सकते हैं कि 0 इज ए सर्कल, 0 इज कंप्लीटनेस, 0 पूर्णता है दोस्तों, 0 कंप्लीशन है। अब कंप्लीशन से जो चीज शुरू होएगी दोस्तों, वो कहीं ना कहीं कहीं तो खत्म होगी, क्योंकि कोई चीज इनफाइनाइट तो हो नहीं सकती। सो 9 इज द नंबर विच इज गिवन फॉर कंप्लीशन। अब आप 9th नंबर को देखिए। अब मैं यहां पर आपको एक और थोड़ा सा थॉट को हम वेवर करते हैं या दूसरी तरफ को लेकर जाते हैं। अब आप देखिए, 0 का नंबर दोस्तों किसी भी प्लेनेट को एसोसिएट नहीं हुआ। 1 to 7 हम प्लेनेट्स को कह सकते हैं, देयर आर 7 प्लेनेट्स, 8वां और 9वां राहु एंड केतु। अब आप इसको थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी में लेकर चलिए दोस्तों, 8 नंबर जो है इट इज गिवन टू सैटर्न, 8th नंबर इज गिवन टू सैटर्न। यस, नंबर 8 इज असाइन टू प्लेनेट सैटर्न। आप इस चीज को जानते हैं कि राहु का कैरेक्टर क्या है। राहु इज शनिवत, राहु सैटर्न के समान है, राहु रिजेंबल सैटर्न, और या In other words, you can say that Rahu is the elder brother of planet Saturn. अब number 9 किसको दोस्तों दिया गया है, यहां पर एक मिस्ट्री है। 9th नंबर न्यूमरोलॉजी में दे दिया गया मार्स को। हमारे वैदिक ज्योतिष में मार्स कौन कौन से हाउसेस को लेते हैं या मार्स कहां पर एसोसिएट होते हैं, मार्स को घर मिले हुए हैं, लॉर्डशिप मिली हुई है 1st और 8th हाउस की। और यहां पर दोस्तों देखिए जो मजेदार चीज आई कि जो केतु है
केतु इज कुजवत, केतु इज लाइक मार्स, और केतु इज यू कैन से रिफाइंड मार्स बिकॉज केतु इज द बॉडी। अब आप देखिए, सात प्लैनेट्स अब न्यूमरोलॉजी बनाने वालों ने, क्योंकि न्यूमरोलॉजी दोस्तों एक चीज है, न्यूमरोलॉजी वैदिक साइंस नहीं है, इस चीज को आप क्लैरिटी से लेकर चलिए। इट कम्स आउट थ्रू वेस्टर्न फिलॉसफी, वेस्टर्न लोगों से यह चीज हमारे अंदर आई। उन्होंने एसोसिएट तो करने की कोशिश की, बट देवर नॉट दैट मच क्लियर, और सबसे बड़ी बात क्या है, देवर नॉट स्पिरिचुअल एट ऑल। हालांकि उन्होंने कोइंसिडेंस समझ लीजिए या चीजों को समझ लीजिए, उन्होंने मिला तो सही दिया। अब नंबर 8 एंड नंबर 9 इज असाइन टू, उन्होंने क्या किया, सैटर्न को दे दिया और नंबर 9 दे दिया मार्स को। मगर अब आप देखिए, उन्होंने हाउस उसको मतलब दिया जो 8th हाउस। अब आप और लीजिए, यहां पर आगे चलिए, 8th हाउस में आप सब जानते हैं कि केतु इज वेरी वेरी गुड इन 8th हाउस। क्यों? अब आप यहां पर यही चीज दोस्तों मैं आपको आज समझाना चाहता हूं कि वाई नंबर 9 इज गिवन टू मार्स और एक्चुअली दिस हैज बीन गिवन टू केतु। अब आप देखिए, 9th इज द कंप्लीशन नंबर। 108 भी अगर हम इसको 1 और 8 को जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा। तो ये जो 9 की फिगर आई, अब दोस्तों उन्होंने हाउस एसोसिएट कर दिया थ्रू मार्स 8th हाउस। 8th हाउस किसका हाउस है? 8th हाउस दोस्तों ऑकल्ट का हाउस है, 8th हाउस साधना का हाउस है, और इस हाउस को हम लाइफ और डेथ का हाउस भी मानते हैं। ये जीवन का हाउस भी है और लॉन्जिविटी का हाउस भी है, और साथ में ये डेथ का हाउस भी है। मगर दोस्तों, क्या ये फिजिकल डेथ बताता है? नो, ये बताता है दोस्तों आपकी टेम्परेरी फिजिकल डेथ दैट कम्स आफ्टर डूइंग साधना और आफ्टर डूइंग मेडिटेशन। अब मेडिटेशन में जब यू आर गेटिंग आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, दैट मीन्स योर सोल लीव्स योर बॉडी, दैट इज अ टेम्परेरी डेथ। सो 8th हाउस इज द हाउस ऑफ साधना एंड वेयर मार्स इज रिक्वायर्ड, और एक्चुअली केतु इज रिक्वायर्ड देयर टू। क्यों? अब आप देखिए, केतु इज योर बॉडी, विदाउट बॉडी यू कैन नॉट डू एनी काइंड ऑफ साधना, बट फॉर अंडरगोइंग साधना यू नीड टू हैव सर्टन एनर्जी लेवल इन यू, सम मोटिवेशनल लेवल इन यू, विच इज प्रोवाइडेड टू यू बाई प्लेनेट मार्स। दैट इज वाई, अब आप देखिए, फर्स्ट हाउस लॉर्डशिप इज ऑल्सो गिवन टू मार्स, जिसको हम लाइफ में आने का घर मानते हैं। इच्छा वहां भी चाहिए, जन्म लेने के लिए भी इच्छा चाहिए, और आत्मा को शरीर से निकालने के लिए विलफुली, एक्सीडेंटली या ड्यूरिंग डेथ, इवन देन इच्छा तो दोस्तों चाहिए। और ये इच्छा या ये जो विल पावर है, ये जो मोटिवेशन है, ये कहां से मिलेगी आपको? दिस इज गिवन टू यू बाई प्लेनेट मार्स। बट 9th नंबर, मैं तो एक बात यहां पर एक कहना चाहूंगा अपने न्यूमरोलॉजी वाले फ्रेंड्स को, कि आप इन न्यूमरोलॉजी वाले नंबर्स को थोड़ा सा अगर आप करेक्ट कर लें, यू विल बी गेटिंग बेटर रिजल्ट्स एंड यू विल बी कमिंग मोर क्लोजर टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, विच इज द एक्चुअल साइंस, विच इज द एक्चुअल स्पिरिचुअल साइंस, और जो ऑथेंटिक भी है। तो फिर आपको जस्ट जो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम क्वेश्चन मार्क लगाकर निकाल कर देते हैं, उसके बारे में फिर आपको वो एक्सपीरियंसेस नहीं लेने पड़ेंगे। सो दोस्तों, यहां पर जो चीज निकल कर आई, अब मैं आपको थोड़ी सी और आगे लेकर जाना चाहता हूं। ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि 27,
108, नंबर 8 और नंबर 9, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब आप जानते हैं नंबर 8 इज गिवन टू सैटर्न। अब आप इस चीज को देखिए, नंबर 8 और आप 8 की फिगर बनाइए। ये आपको मैंने एक थ्योरी भी दी थी जिसमें मैंने आपको फिगर ऑफ 8 समझाने का प्रयास किया था। दोस्तों, सैटर्न इज ए वेरी वेरी रियल प्लैनेट, मगर एक चीज है रियलिटी के साथ। दोस्तों एक चीज तो देखो जुड़ेगी कि आप किसी चीज को स्किप नहीं कर सकते, किसी चीज को आप ओवरलुक नहीं कर सकते। आपको लाइफ मिली है तो आपको ये लाइफ तो जीनी है। यू विल हैव टू लिव योर लाइफ, और उसमें आपको बाकी प्लैनेट्स भी मिलेंगे, उनके एक्सपीरियंसेस भी मिलेंगे, बिकॉज लाइफ इज ए अमलगमेटेड प्रोसेस, लाइफ इज ए कंप्लीट प्रोसेस। सो शनि आपको वो रियलिटी देता है कि आपको लाइफ तो भैया जीनी है, आपको बाकी प्लैनेट्स के एक्सपीरियंसेस भी लेने हैं, और ये जो एक्सपीरियंसेस हैं दोस्तों ये छोटे नहीं होते, क्योंकि रियलिटी अगर है तो लाइफ है। देखिए यहां पर एक चीज अब आप लेकर देखिए कि शनि का इंपैक्ट नंबर 8 में कितना स्ट्रांग होता है, और शनि ही अकेला प्लैनेट है दोस्तों जो आपको आइडेंटिफिकेशन देता है, जो हम अहम या मैं वर्ड यूज करते हैं। दोस्तों इट इज गिवन टू यू बाय और बाय द ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड शनि, और शनि इज द प्लैनेट विच कैन गिव यू सॉल्वेशन, जो आपको रियलाइजेशन यानी जिसको मोक्ष कहा जाता है, कहा जाता है। हालांकि मैं नहीं मानता कि दोस्तों कि मोक्ष कोई चीज है। हां, जिस दिन आपको ये रियलाइजेशन हो गई, रियलिटी से रियलाइजेशन, आप क्या हो, आपकी आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, परमात्मा द्वारा रची गई माया क्या है, दिस इज द रियलाइजेशन एंड दिस इज द एक्चुअल रियलिटी एंड दिस इज द एक्चुअल ट्रूथ। अब आप देखिए नंबर 8 सैटर्न का बड़ा भाई, एक्चुअली नंबर 8 शुड बी गिवन टू राहु, और मैं तो हर वीडियो में कहता हूं दोस्तों राहु इज द मैसेंजर ऑफ गॉड। राहु ब्रिंग्स यू ग्लिम्पसेस ऑफ दैट डिवाइन ऑर्डर। दोस्तों वर्ड्स मेरे नोट कर लेना, दैट राहु इज ओनली कैपेबल ऑफ ब्रिंगिंग दोज ग्लिम्पसेस फ्रॉम दैट डिविनिटी, दैट डिवाइन ऑर्डर। क्यों? अब मैं आपको कुछ रीजनिंग के साथ बात बताता हूं। अब दोस्तों आप देखिए, दुनिया में जब से एग्जिस्टेंस हुई, जब से परमात्मा ने माया के द्वारा इस सृष्टि की रचना की, क्या कोई अमर था? दोस्तों अमर अगर देवता भी हुए तो बाय द ब्लेसिंग ऑफ राहु। राहु ही एक ऐसा विजडम वाला इंसान था उस समय, तो हम यही कह सकते हैं कि वो इंसान ही होगा, क्योंकि अमर तो दोस्तों उसके बाद हुए। ठीक है, देवता यानी सेक्रेट क्वालिटीज, या मतलब हम कह सकते हैं डेमोनिक क्वालिटीज किसमें कैसे थी, आज मेरा वो सब्जेक्ट नहीं है। राहु थिंक्स फॉर इम्पॉसिबल थिंग्स, इनएक्सेसिबल थिंग्स। राहु को अकेले को इस बात की समझ थी कि अमृत इज प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड। किसी देवता को दोस्तों इस चीज के बारे में पता नहीं था। एंड व्हेन राहु इंसिस्टेड फॉर अमृत, देन एक्चुअली समुद्र मंथन वाज इन ऑपरेशन, वो तब हुआ। और देवताओं को तो इस चीज का पता ही नहीं था, तब परमात्मा ने बताया कि यस अमृत इज देयर। उसके बाद में जो बांट हुई या बंदर बांट हुई या कैसे हुआ कैसे, ये आज की वीडियो का सब्जेक्ट है ही नहीं दोस्तों। कारण क्या है? अब वो अमृत था, एंड बिकॉज ऑफ राहु अमृत इस दुनिया में आया। बिकॉज ऑफ राहु बाकी प्लैनेट्स भी अमर हो गए, बाकी देवता भी अमर हो गए, और इसलिए जो वो ग्लिम्प्स
डिवाइन ऑर्डर से, डिवाइन नॉलेज के, जिसको हम अज्ञात की नॉलेज कहते हैं दोस्तों, विच इज द मोस्ट कंप्लीट नॉलेज, दैट कम्स थ्रू प्लैनेट राहु. एंड राहु एक्चुअली इज द एल्डर ब्रदर ऑफ शनि. कारण क्या है? शनि रियलिटी है, क्योंकि उसको पता था कि वो चीज है. और शनि का जब थॉट प्रोसेस काम करेगा, दैट बिकम्स राहु. एंड दैट इज वाई फिगर ऑफ एट इज गिवन. अब आप यहां पर एक चीज लेकर चलिए कि किसी ने भी लाइफ को अगर जीना है कंप्लीशन में, तभी वो मोक्ष प्राप्ति या रियलाइजेशन के करीब जा सकता है. यहां पर दोस्तों शॉर्टकट आपको नहीं मिलने वाला लाइफ में. इसलिए आपको फिगर ऑफ एट हमेशा याद रखिए. अब इसके बाद आप देखिए फिगर ऑफ नाइन, और नाइन्थ इज द कंप्लीशन नंबर, एंड दिस नंबर इज एसोसिएटेड टू प्लैनेट राहु. तो सॉरी, प्लैनेट केतु, क्योंकि केतु आपकी बॉडी है. कंप्लीशन अगर आपको दोस्तों इस दुनिया में मिलने वाली है, तो वो मिलेगी सिर्फ और सिर्फ आपके शरीर के माध्यम से. और केतु सबसे ज्यादा अपना अच्छा प्रभाव कहां डालेगा? इन एट्थ हाउस. इसीलिए एट्थ हाउस को एसोसिएट कर दिया गया थ्रू प्लैनेट मार्स विद केतु. अब आप देखिए, ये जो कोरिलेशंस बनती हैं, एसोसिएशंस बनते हैं दोस्तों, ऋषियों ने पता नहीं कितना थॉट प्रोसेस लगाया होगा. हम लोग तो सिर्फ एक प्रयास कर रहे हैं कि उन थ्रेड्स को पकड़कर धीरे 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 कोशिश करकर कि हम कोई एक ऑथेंटिक सूत्र बना लें. और दोस्तों कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि इस तरह सोचने से या ऐसे थॉट प्रोसेस के माध्यम से वी आर कमिंग मोर क्लोजर टू रियलिटी ऑफ वैदिक ज्योतिष. और वैदिक ज्योतिष चाहता भी दोस्तों यही है, कहीं ना कहीं ऋषि भी यही चाहते थे कि जो चीजें हमने फिल इन द ब्लैंक्स में छोड़ दी, लोग उसको डिकोड करें, समझें कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट इज द मोटिव ऑफ लाइफ, आप लाइफ में क्या करने आए हो, आपकी आत्मा को क्यों ये शरीर देकर भेजा गया है, और अगर शरीर दिया है तो आपने कौन कौन से कार्य करने हैं. अब दोस्तों ये बात अब यहां पर मैं क्लैरिटी. सो दोस्तों, लाइफ तो आपको जीनी पड़ेगी. अगर आपका कोई कार्मिक पैटर्न बना है, वो तो आपको जीना पड़ेगा. कोई शॉर्टकट नहीं आपको मिलने वाला, सिर्फ हां विद नॉलेज, विद अवेयरनेस. आप इस चीज को जान सकते हो कि आपकी कंप्लीशन या आपका जो नाइन्थ हाउस है या जो नंबर नाइन है, वो कब एक्टिवेट होगा, कितना एक्टिवेट होगा, और आप कहां तक एक्टिवेशन उससे ले सकते हो. अब दोस्तों एक चीज जो यहां पर निकल कर आई, फिगर ऑफ एट यहां पर दोबारा बहुत सिग्निफिकेंट हो जाती कि जहां से दोस्तों आप शुरू करोगे आपको आना वही है. अगर आप जीरो से शुरू करोगे तो आपको कहीं ना कहीं फिगर ऑफ एट में ही जाना है. अब थोड़ा सा दोस्तों मैं रिसर्च को थोड़ा और आगे लेकर जाना चाहता हूं. अब आप फिगर ऑफ नाइन को याद करिए दोस्तों, इसमें और फिगर ऑफ एट में क्या फर्क है? फिगर ऑफ एट का थोड़ा सा पार्ट जब आप निकाल देते हो, दैट बिकम्स फिगर ऑफ नाइन. दैट मीन्स दिस इज द पार्ट वेयर केतु बिलोंग्स. आपकी बॉडी का जो हिस्सा है, जब वो दोस्तों निकल जाएगा, देन द फिगर ऑफ नाइन अपीयर्स. जो आठ के बाद नौ आना है या जीरो के बाद एक दो तीन चार पांच छह सात आठ आप जी लिए, आपने अपना लाइफ का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, देन डेफिनेटली योर बॉडी विल बी अ मिसिंग फैक्टर फ्रॉम दैट साइकिल.
दैट मींस दैट इंडिकेट्स योर डेथ। सो दोस्तों अब आप देखिए यहां पर इन फिगर्स के माध्यम से हमने लाइफ के प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने का प्रयास किया, आपको समझाने का प्रयास किया कि ये जो डिजिट्स हैं या ये जो नंबर्स हैं दीज आर एक्चुअली वैदिक, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के साथ एक एक नंबर की एसोसिएशन है एंड वेरी वेरी डीप एसोसिएशन। ओनली थिंग इज दैट आपको उसके बारे में सोचना है, उसको एनालाइज करना है और इन फिगर्स के थ्रू, इन प्लैनेट्स के थ्रू आपको जहां से कंप्लीशन दोस्तों शून्य से आपने शुरू किया था, यानी कि आप कहीं एक खाली जगह से आए थे, अब यहां पर एम्प्टीनेस हो, हम कह सकते हैं कि आप एक यूनिवर्सल ऑर्डर के थ्रू, एक ऐसी जगह के थ्रू जिसको यूनिवर्स आप कह लें, मल्टीवर्स कह लें, दोस्तों इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होता बिकॉज दीज आर ओनली वर्ड्स। आप मल्टीवर्स से आए, आप यूनिवर्स से आए, आप एक खाली जगह से आए, आप शून्य से आए और शून्य जब आपकी बर्थ हुई, कंप्लीशन हुई, क्योंकि बर्थ इज अ कंप्लीशन प्रोसेस, शून्य इज अ कंप्लीशन प्रोसेस, और जब आपका शून्य का प्रोसेस कंप्लीट हुआ देन दैट इज नॉट पॉसिबल विदाउट योर प्लेनेट मार्स। आपको जो उस टाइम डिजायर्ड इच्छा शक्ति चाहिए थी टू टेक बर्थ, दैट इज गिवन टू यू बाय प्लेनेट मार्स। अब आप देखिए लाइफ का शुरुआत में भी मार्स का रोल कितना था और उसके बाद नाइन्थ नंबर में भी प्लेनेट मार्स का क्या रोल निकला। अब आप देखिए प्लेनेट मार्स बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेनेट, दैट इज व्हाई फर्स्ट एंड नाइन्थ ये दोनों में मार्स आपको दिखेगा। फर्स्ट हाउस का दोस्तों लॉर्ड है और नाइन्थ नंबर ये मार्स को ही दिया गया इन न्यूमरोलॉजी, बट एक्चुअली मैं तो ये कहूंगा कि दिस नंबर शुड बी गिवन टू केतु। न्यूमरोलॉजी वालों को भी अगर ये मेरी वीडियो देखकर अगर वो ये माइनर करेक्शन नहीं है दोस्तों, ये एक्चुअली सही की तरफ जाना है, क्योंकि हम किसी नॉलेज को नेगेट नहीं दोस्तों कर रहे, क्योंकि नॉलेज तो वही है, सिर्फ उसको सोचने का नजरिया सिर्फ बदलता है और सोचना का नजरिया बदलता है तो उससे कुछ सही चीजें निकलती हैं। तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट भी है न्यूमरोलॉजी वालों से कि वो वैदिक ज्योतिष के करीब आए, सो दैट ये जितनी ब्रांचेस हैं दोस्तों निकली तो यहीं से हैं एंड दे शुड कम बैक टू देयर पेरेंट फोल्ड, पेरेंट उसमें आ जाए ताकि एक कंप्लीट साइंस दोस्तों ऐसी बन जाए जो दुनिया के फायदे के लिए हो। और दोस्तों इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों कि विद इन अ वेरी वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम हमारे चैनल की व्यूअरशिप 6 लाख से ऊपर हो गई है एंड दोस्तों दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। मगर दोस्तों यहां पर खुश होने की जरूरत नहीं है आपको, बल्कि और ज्यादा स्ट्रांग होकर इस एस्ट्रो इंटेलिजेंस के माध्यम से जो एक डिफरेंट काइंड की नॉलेज आप तक पहुंच रही है उसको बढ़ाने के लिए मेरे को और आपको और ज्यादा मेहनत करनी है। हमको खुश होकर ये नहीं है कि हमें इतनी व्यूअरशिप मिल गई, इतना काम मिल गया, इतना ये मिल गया, इतना नेम फेम मिल गया, नो नथिंग, कोई नेम फेम नहीं है दोस्तों, दिस इज ए डिवाइन ऑर्डर, परमात्मा की एक ड्यूटी है जो मैं कर रहा हूं और मेरे साथ आप भी कर रहे हो। आप परमात्मा का आशीर्वाद लेने के हकदार बन रहे हो जब आप एस्ट्रो इंटेलिजेंस का शेयर करते हो, इसके थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ाते हो। सो दोस्तों ये ही रिक्वेस्ट इस वीडियो में भी मैं आपको करूंगा कि आप 6 लाख नहीं दोस्तों रुकना, इसको 12 लाख लेकर जाइए, इसको 18 लाख लेकर जाइए और फिगर ऑफ 9 तक पहुंचिए जो एक कंप्लीशन नंबर होगा, और तब जब वो नंबर पहुंचेगा दोस्तों तब शायद, हालांकि
मेरी लाइफ में तो दोस्तों थकान कभी नहीं आएगी। हाँ, आयु थक सकती है, शरीर थक सकता है, ये मैं मान सकता हूं, मगर दोस्तों ना काम थकना चाहिए ना आपको थकना है। आज मैं हूं, कल मेरी जगह आप में से कोई भी लेगा, और लेनी है आपने। और अगर आप इसी जज्बे के साथ, इसी गोल के साथ, इसी मोटिव के साथ अगर आप चलते जाओगे, तो हम नॉलेज के इस ओशन से कुछ नई चीजें निकाल कर समाज में देकर जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।